की ओर से आयोजित इस व्याख्यानमाला में प्रत्येक शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी मिल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आयुर्वेद विश्व को एक नया रास्ता दिखाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करे और हम चाहते हैं कि भारत के लोगों की कम से कम पहली चॉइस आयुर्वेदा हो। तो इस कड़ी को आगे चला कड़ी की ओर अग्रसर होते हुए मैं लगा कि हमें उन मैं आपसे बताना चाहूंगी कि उल्लेख वो शख्सियत है कि वो कोई ऐसा नहीं था में शहीदी को प्राप्त हुई और 5 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है, 24 जून को उनका शहीदी दिन है। और मिस आप देखिए कि रानी दुर्गावती ने अपनी जिंदगी में 52 बैटल्स को फेस किया, जिसमें से 51 यानी जो लास्ट वाली बैटल है उसी में उनकी हार हुई है, शहीदी हुई है, मगर हमें एक बहुत अच्छी चेतना के साथ जगा कर भी गई है। तो वो रानी दुर्गावती थी। सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि हम सभी का राइट हैंडेड होते हैं या लेफ्ट हैंडेड होते हैं। तो रानी दुर्गावती बहुत सारी कविताएं मिलती है, शौर्य गीत मिलते हैं जिनमें कहा जाता है कि रानी दुर्गावती विषय है कि भाई रानी दुर्गावती ने हम से लोग बड़े उच्चतम पोस्ट पर है, मुझे कहने की नहीं जरूरत है, आप सभी जानते हैं आधुनिक समय में प्रतिशत लगा हुआ है ना, तो वो किस लिए है। भारतीय इतना ज्यादा करना समझते हैं, जानते हैं, बस एक बार हम शेर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शेर जाग जाए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये देश को संभाल लेंगे। और इसलिए देश को शेर को सुलाने की पूरी कोशिश की जा चुकी है ना, तो आज हम आपको जगाने आए हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के व्याख्यान के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर दीक्षा खतुरिया को आमंत्रित करती हूँ। आपने अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से ही किया है और आप अभी मदन मोहन मालविया आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है।
ओवर टू यू डॉक्टर दीक्षा, धन्यवाद। थैंक यू मैम। सबसे पहले आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं भगवान धन्वंतरी की वंदना के लिए आप सभी से प्रार्थना करती हूँ। नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरे वंदित पाद पद्म लोके जरारोग भय मृत्युनाशम दातारमीशं विविदौषधीनां भगवान धन्वंतरी की जय और भारत माता की भी जय, समस्त भारतीयों की भी जय। जैसा कि आज हेतल मैम ने इंट्रोडक्शन में ही एक बहुत ही ऊर्जावान शख्सियत का जिक्र किया, तो उस बारे में मैं ज्यादा बात न करते हुए बस उसी प्रेरणा स्रोत मानते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा विश्व आयुर्वेद परिषद NIU ब्रांच की अनवरत व्याख्यान माला चल रही है 2005 से, उसका आज 263rd लेक्चर है। आज के हमारे मेन स्पीकर हैं प्रोफेसर हितेश व्यास सर। सर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ। सर एट प्रेजेंट HOD है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल IPGTR गुजरात। सर का ऑलमोस्ट 20 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है जिसमें से 18 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस एंड 2 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस है। इसके अलावा सर ने इंचार्ज प्रिंसिपल के तौर पर भी काम किया है फॉर 2 इयर्स इन महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। सर हैज ऑल्सो वर्कड एज एन कोऑर्डिनेटर फॉर WHO for traditional medicine Ayurveda for 3 years. Sir has worked as an in charge deputy hospital superintendent in IPGTRA Gujarat for 1 year, and at present along with basic principal he is also working as head and head of department of Swasthvat in Jamnagar. Sir has almost guided more than 50 PG PhD theses. More than 60 research papers are published as principal author and co-author in many national and international journals. Sir has given almost 75 guest speeches and keynote speakers in various orientation programs. Sir has also participated in designing the syllabus. And most important, not only in academic, not only in teaching, इसके अलावा सर का को करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत योगदान रहा है। सर हैज वर्कड एज एन अनाउंसर एज अ न्यूज रीडर ऑन दूरदर्शन अहमदाबाद फॉर 6 years, और इसी के साथ सर आज हमारे जो सर हैं वो एक्टर भी रह चुके हैं या कर रहे हैं। ही हैज वर्कड इन हिंदी एंड गुजराती टीवी सीरियल। सर वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। आज का जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली आज का जो हमारा सेशन है ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस को और निखारने के काम आएगा। तो ओवर टू यू डॉक्टर हितेश व्यास सर। थैंक यू दीक्षा फॉर दिस लॉन्ग इंट्रोडक्शन। बेसिकली आई वांट टू से दैट माय वॉइस इज क्लियर। Yes, sir. Okay, thank you. So, basically, I want to say that, okay, I have worked as a principal, as a professor, and whatsoever, but still, the real introduction, what I want to say is, I'm the student of Ayurveda still today. This science is so vast, one cannot understand, even one cannot go through in one life. So, I'm still a student of Ayurveda, and I want to share some of my views with all of you. And with your permission to Hetal ma'am and all other participants, that for more convenient communication, we'll talk in our Rashtra Bhasha Hindi. That will be, more beautifully I can say, I can present, okay? तो हम लोग आज कुछ प्रिंसिपल्स के विषय में बात करने वाले हैं। दीक्षा जी एक थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लूं कि मैं मौलिक सिद्धांत विभाग का विभागाध्यक्ष नहीं हूं, हमारे सीनियर प्रोफेसर अर्जुन सिंह बघेल जी है मेरे विभागाध्यक्ष। मैं शस्त्र वृत्त का विभागाध्यक्ष जरूर कार्यरत। ओके ओके जी तो ठीक है जी सर। हाँ नो प्रॉब्लम। प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? हाँ
हाँ जी सर, विजिबल है। ओके तो मेरा जो विषय मैंने पसंद किया है एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्योंकि होता यह है कि बेसिक प्रिंसिपल्स के नाम पे पदार्थ विज्ञान हम सिखाते हैं, संहिता और अलग अलग दर्शनों के सिद्धांत हम सिखाते हैं, किंतु उनका जो वास्तविक उपयोग है या उद्देश्य है कि उसे उपयोग में लाना, ये कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। और होता यह है कि सिद्धांत सिद्धांत रह जाते हैं और प्रैक्टिस प्रैक्टिस रह जाती है, और दोनों के बीच का कोई एक सेतु नहीं बन पाता। और ये सेतु नहीं बन पाना ये एक मौलिक सिद्धांत के लिए सबसे ज्यादा विकट स्थिति होती है, और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत बार ये सोचते हैं कि ये तो ठीक है, परीक्षा का विषय है, परीक्षा में पास कर लेंगे, बात खत्म। किंतु ऐसा है नहीं। वास्तव में जाने अनजाने में हम हमेशा से ही इन सिद्धांतों का उपयोग हमारी प्रैक्टिस में करते ही रहते हैं। तो इन्हीं में से आज मैंने पहले प्रयास किया था कि मैं जितना हो सके ज्यादा सिद्धांतों का समावेश मेरे व्याख्यान में कर सकूं, किंतु फिर बाद में लगा कि नहीं, उससे अच्छा ये है कि हम कुछ क्लिनिकल एग्जाम्पल्स के साथ एक या दो सिद्धांतों के ऊपर ही बात करें, तो बाकी की चीजें जो है वो अपने आप कुछ समझ में आ सकती है। तो शुरू करते हैं। पहले ही ये सिद्धांत की व्याख्या आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसको इसका विस्तार करने की मुझे लगता है कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। चरक संहिता विमान स्थान में ये जो व्याख्या दी गई है, और ये हम फर्स्ट ईयर BMS के पदार्थ विज्ञान के विषय में पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम सिद्धांत किसे कहेंगे? It is a conclusion derived after the several experiments carried out by many investigators. तो हम जिसे कहेंगे कि किसी भी विषय के ऊपर मल्टी सेंट्रिक जो ट्रायल होते हैं, जो एक से अधिक जगहों पे होते हैं, एक से अधिक वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग होते हैं, और उन प्रयोगों का जो एक समान परिणाम निकलता है उसके आधार पे जो एक निर्णय किया जाता है, एक निश्चिति विषय की जाती है, उस निश्चिति को, उस निर्णय को सिद्धांत कहा जाएगा। तो सिद्धांत जो है वो हमेशा से ही, आज की परिभाषा में कहें तो, रिसर्च के आउटकम है, जो भी रिसर्चेस होती है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि परीक्षक ही बहुविधम परीक्षम, इसका अर्थ यही होता है कि परीक्षक ही बहुवचन में आया है, तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा बहुविधम परीक्षम, बार बार अनेक बार उसकी परीक्षा की गई, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, और उसके बाद उसको लॉजिकल रूप से एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो सब सिद्धांत में आ जाती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर ये होता है कि जब हम सिद्धांत की बात करते हैं, मौलिक सिद्धांत की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों के मन में, आयुर्वेद के जो छात्र हैं उनके मन में जो है वो हमेशा पदार्थ विज्ञान के ये सृष्टि उत्पत्ति है, ये पंचमहाभूत है, ये सब विषय आकर के रह जाते हैं। किंतु ऐसा नहीं है। संहिता ग्रंथों में जो भी कुछ निर्णय लिखे गए हैं ये ऐसा है, वो सब सिद्धांत है, और वो सिद्धांत हमें आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए हमेशा हमेशा के लिए उपयुक्त होता है। तो सिद्धांत की इस व्याख्या के बाद मौलिक सिद्धांत या बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि बात वहीं पे आके रुक जाती है कि मौलिक सिद्धांत नाम का एक विषय है और उसमें बहुत सारी चीज तंत्र युक्तियां दे रखी है, उसमें तंत्र गुण की बात दे रखी है, ये सब दे रखा है। मौलिक सिद्धांत की व्याख्या परम आदरणीय स्वर्गस्थ गुरुवर्य ठाकुर सर ने अपने पुस्तक के प्रथम पेज पर ये लिखी हुई है, जिनका सार ये है कि आयुर्वेद का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, माने कि स्वास्थ्य के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए या आतुर के व्याधि का परिमोक्ष करने के लिए, उसके ज्ञान के लिए जिन जिन विषयों का अध्ययन करना, उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है, और अगर इन विषयों का ज्ञान ना हो तो आप आयुर्वेद का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ऐसे सभी विषय आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत कहे जाएंगे। तो केवल जो पदार्थ विज्ञान की पुस्तकों में दिए हैं वही मौलिक सिद्धांत नहीं है। आतुर की आतुर के चिकित्सा करने के लिए
हमें रोग की परीक्षा करनी पड़ती है, तो रोग परीक्षा के लिए जो निदान पंचक की बात शास्त्रों ने कही है वो भी सिद्धांत है। आतुर की चिकित्सा करने के लिए हमें द्रव्य गुण का उपयोग करना पड़ता है, तो द्रव्य गुण में जो भी कुछ रस गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इतनी चीजों की जो भी बात की गई है वो भी सिद्धांत है। औषध निर्माण के जो सिद्धांतों का भैषज कल्पना और रसशास्त्र में वर्णन किया जाता है वो भी सिद्धांत है। व्याधि की चिकित्सा करने के लिए, उसका संप्राप्ति का विघटन करने के लिए जिन जिन प्रकारों की शमन, शोधन या उपक्रम, जिन जिन प्रकारों की बात संहिताकारों ने कही है, जिसके द्वारा हम स्वास्थ्य रक्षा या व्याधि परिमोक्ष का अपना उद्देश्य परिपूर्ण कर सकते हैं, वो सभी बातें सिद्धांत है। तो सिद्धांत की ये व्याख्या पहले हमने हमारे मन में हमें स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि सिद्धांत माने केवल ये कुछ गिनी चुनी बातें नहीं है कि पंचमहाभूत सिद्धांत है, सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत है, प्रमाणों का सिद्धांत है, ये कुछ गिने चुने जो पदार्थ विज्ञान के पुस्तकों में या मौलिक सिद्धांत के पुस्तकों में दिए गए हैं, केवल वही सिद्धांत है। इस बात को हमें अपने मन से निकाल करके इस बात को बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए कि ऐसे सभी विषय जो निर्णय रूप में है, जो आयुर्वेद का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अवश्य ज्ञातव्य है, ऐसे सभी विषयों की गणना सिद्धांत में की जाती है। और शास्त्रकार ने जो भी कुछ लिखा है चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह में, या काश्यप संहिता में, जो भी हमारे आर्ष ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों में जो भी कुछ लिखा गया है वो अनेक बार परीक्षा करने के बाद निर्णय के रूप में ही हमारे सामने रखा गया है। कोई भी चीज अनिर्णित नहीं है, ये याद रखिए। केवल एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में जहां पे महाकषायों की बात है, वहां पे 10-10 औषधों का एक एक गण जो है, एक एक जो महाकषाय हो, एक एक व्याधि के लिए उन्होंने वर्णन किया है कि ये ज्वर हर है, ये कासहर है, ये शूल प्रशमन है। तो आप सोच लीजिए कि पूरी पृथ्वी पर, पूरे भारत में इतने सारे द्रव्यों की उपलब्धि होने के बावजूद उन इतने सारे द्रव्यों में से 10 द्रव्यों को किसी एक रोग के ऊपर निश्चित रूप से रखना, ये बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना प्रयोग के कभी संभव है? ये संभव ही नहीं है। ये अनेक बार सहस्त्रशः अनुभूत होने के बाद ही उन्होंने वहां पे लिखा है। तो ऐसी सभी बातें जो शास्त्रकारों ने हमें दी है वो सिद्धांत है, और उन सिद्धांतों को क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें कैसे उपयोग में लाना है या कैसे समझना है, उनके विषय में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और उनमें से आज जो मैंने पहला सिद्धांत चुना है वो है कार्य कारण का सिद्धांत या कार्य कारण वाद। वाद और सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर है। सिद्धांत जैसे कि मैंने कहा वो एक निर्णय रूप में होता है, कंक्लूजन होता है, जबकि वाद जो है वो सिद्धांत बनने की प्रक्रिया में कहीं पर होता है, माने वो पूर्णतः सिद्ध नहीं होता। कहीं किसी जगह पे कोई मत मतांतर अगर किसी विषय में है तो वो वाद बन जाता है, और किसी भी प्रकार का मत मतांतर ना हो तो वो सिद्धांत होता है। तो कार्य कारण के संदर्भ में बात यह है कि सभी दर्शन, भारत के जितने भी दर्शन हैं, भारत के जितने भी शास्त्र है, पुराण है, इतिहास है, वेद है, सभी इस बात को मानते हैं कि प्रत्येक कार्य का अपना एक कारण होता है। तो इस दृष्टि से ये एक सर्वतंत्र सिद्धांत है। किंतु कारण से कार्य कैसे उत्पन्न होता है और कारण कार्य की बीच का संबंध क्या है, इसके विषय में दर्शनों के बीच, शास्त्रों के बीच थोड़ा सा मतांतर होने के कारण इसे कार्य कारण वाद नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये आयुर्वेद के लिए सबसे पहला और जिसे हम कहेंगे कि मूलभूत सिद्धांत है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में उन्होंने ये लिखा, इत्युक्तम कारणम कार्यम धातु साम्य ये उच्यते। इत्युक्तम कारणम से जगह हम आगे देखेंगे, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्मश्च, ये 6 पदार्थों की बात की उन्होंने, और उन 6 पदार्थों को कारण बताते हुए इनका कार्य धातु साम्य है ऐसा बताया, और धातु साम्य को आगे चल करके तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम ये करके बताया है कि धातु साम्य क्रियाश्योक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम,
पूरे तंत्र का प्रयोजन जो है वो धातु साम्य है और वही वैद्य का कार्य है, और उस कार्य के लिए जो भी कुछ कारण हो सकते हैं उन कारणों का वर्णन संहिताकारों ने किया है। तो ये आयुर्वेद में हर जगह पे हर स्थान पे प्रचलित या रखा हुआ आपको मिलता है कार्य कारण सिद्धांत। जैसे कि चरक शारी स्थान में उन्होंने कहा, नहीं एको वर्तते भावो वर्तते न अपि अहेतु का, देयर इज नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, देयर इज कार्य दैट डज नॉट हैज हेतु। दुनिया में कहीं पर कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जिनका कोई कारण ना हो, अहेतुक हो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत है इसका सार ये है कि हर एक कार्य का अपना एक कारण होता है और वो कार्य जो है वो अपने कारण के अनुरूप होता है। ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कार्य होता है वो कार्य अपने कारण के अनुरूप होता है और उन कारण को हमें ढूंढ निकालना पड़ता है कार्य को समझने के लिए, क्योंकि आगे हम जैसे देखेंगे सभी स्वास्थ्य भी एक कार्य है, व्याधि भी एक कार्य है, सभी कुछ कार्य है और उन कार्यों के लिए कारणभूत चीजें क्या है उनको देखना उनको समझना ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। हम यहाँ पे जो प्रचलित रूप से कार्य कारणवाद के संदर्भ में जिन बातों की चर्चा की जाती है कि कार्य की व्याख्या क्या है, कारण की व्याख्या क्या है, तीन प्रकार के कारण होते हैं समवाय असमवाय निमित्त, या सांख्य दर्शन की दृष्टि से दो प्रकार के कारण होते हैं उपादान कारण और सहकारी कारण वगैरह वगैरह, इनकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। ये आप लोग जानते हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसी जो फंडामेंटल चीजें हैं जो बहुत बेसिक चीजें हैं वो आप सब जानते हैं, इसलिए उनके विषय में नहीं पाऊंगा। केवल इन सब का एक सार या उसका जो हम कहते हैं कि प्रसाद भाग जो आयुर्वेद की परिभाषा में आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने कहा कि हर एक कार्य का अपना एक कारण होता है और कार्य कारण के अनुरूप होता है। अनेक कारण एक कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक कार्य का लिए केवल एक ही कारण होता है। एक कार्य जो है वो अलग अलग अनेक प्रकार के कारणों से उत्पन्न हो सकता है और उनकी अपनी अपनी कार्य को उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। तो इतनी चीज को, ये सार को अपने मन में हमें रखना है और हम आगे चलते हैं। जैसे कि आगे मैं बता करके आया कि कार्य कारणवाद का उल्लेख प्रथम अध्याय में आ गया है और सब कुछ जो है उसके लिए उन्होंने द्रव्यों को कारण, द्रव्य जो नौ बताए, ये छह तो धातु साम्य के कारण बताए, सामान्यम जो विशेषम जो गुणान द्रव्याणि कर्मश्च समवायत्वा, ये करके उन्होंने इनको धातु साम्य के लिए कारण बताया। किंतु इनमें से द्रव्य की जब बात आई तो फिर नौ द्रव्यों की बात कही, खादिन्यात्मा मनः काल दिशश्च द्रव्य संग्रह, और इनको ये बताया कि ये पूरी सृष्टि जो हमारे आसपास जो भी कुछ है, चेतन है या अचेतन है, सेंद्रिय है या निरेंद्रिय है, जो भी कुछ है उनका कारण ये नौ द्रव्य होते हैं। तो क्योंकि हमारा शरीर भी इस सृष्टि का एक भाग है तो ये शरीर भी ये एक नौ द्रव्यों का कार्य है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। शरीर की जो व्याख्या चरक संहिता ने दी है, तत्र शरीरम नाम पंच महाभूत समवाय चेतनाधिष्ठान भूतम समयोगवाही करके, वहां पे पंच महाभूत और आत्म तत्व या चेतन तत्व इन छह के द्वारा, नौ में से छह के द्वारा उन्होंने बात की है। तो वो जो व्याख्या शरीर की दी गई है वो द्रव्य के संदर्भ में या जिसे हम कहें कि शारीरिक स्थान के संदर्भ में दी गई है, उसी को अलग रूप से चिकित्सात्मक दृष्टि से भी शास्त्रकारों ने बताया है, जहां पे उन्होंने ये कहा कि दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, दोष धातु मल यही शरीर है। और इस सूत्र की अष्टांग संग्रह के 19वें अध्याय में अगर इंदु टीका आप देखेंगे तो वहां पे उन्होंने कहा मूलम इति कारणम, कि दोष धातु मल जो है वो शरीर के कारण है और शरीर दोष धातु मल के उपरांत और कुछ भी नहीं है। तो जैसे सांख्य दर्शन ने बताया है कि जैसे हम सामान्य रूप से जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो वैशेषिक दर्शन का कंसेप्ट हम पढ़ाते हैं, समवायी असमवायी और निमित्त कारण का, और वहां पे समवायी कारण की व्याख्या करते हुए उसका उदाहरण
देते हुए बहुत सारी पदार्थ विज्ञान की किताबों में ये लिखा हुआ है कि तंतु जो है वो वस्त्र का समवायी कारण है। अगर आप सांख्य दर्शन देखेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, वास्तव में उसका उपादान कारण जो है वो कार्पास, कोटन जो है वो मूल कारण होता है, तंतु उसकी एक अवस्था होती है और तंतु के बाद की दूसरी अवस्था जो है वो वस्त्र होती है। तो उसी प्रकार से मूल कारण जो है वो पंचमहाभूत होते हैं, वो पंचमहाभूत में से दोष धातु मल होते हैं और दोष धातु मल से शरीर बनता है, जैसे कार्पास से तंतु, तंतु से वस्त्र, उसी प्रकार से ये पूरी परंपरा चलती है। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। पूरा आयुर्वेद जो त्रिसूत्र आयुर्वेद जो बताया है या त्रिस्कंद आयुर्वेद बताया है, हेतुलिंग औषध, ये तीनों और कुछ भी नहीं है, केवल कार्य कारण की बात। हेतु स्कंद या हेतु सूत्र स्पष्ट रूप से कारणों की बात है। ये कारण जैसे कि मैंने पहले बताया, स्वास्थ्य के कारण जो भी है, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, आहार विधि विशेष आयतन है, आहार नियम है, या वेगों का धारण करने वाली जो सब बातें हैं, इन सब की गणना हम जो है वो स्वास्थ्य के हेतुओं में करते हैं। उसी प्रकार से व्याधि के हेतु जो है, तीन मूल हेतु और उसके बाद अंतरंग हेतु, बहिरंग हेतु रूप से निदानों का वर्णन, दोष दूषों का वर्णन, ये सब हेतु स्कंद में आता है जो कि कारण की बात है। उन कारणों के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं वो कार्य लिंग सूत्र या लक्षण सूत्र है, लक्षण स्कंद है जो दूसरा स्कंद है, जो हेतुओं के द्वारा के, अगर आप दिनचर्या का पालन करते हैं तो शरीर में किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न, रोज व्यायाम करते हैं तो शरीर में किस प्रकार का लक्षण उत्पन्न होंगे, या जो अभ्यंग करते हैं तो किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होंगे, अथवा आप निदानों का सेवन करते हैं तो कौन से निदानों के सेवन से किस प्रकार के लक्षणों का उत्पन्न होंगे। तो लिंग स्कंद या लक्षण स्कंद जो है वो पूरा जो है वो कार्यों का वर्णन है, और औषध जो है वो फिर से कारण बनते हैं उन लक्षणों की, लक्षणों को दूर करने के लिए या व्याधि लक्षणों को दूर करके स्वास्थ्य लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए, अगेन औषध जो है वो कारण रूप में है। तो त्रिस्कंद आयुर्वेद में और कुछ भी नहीं है, केवल कारण कार्य की ही गणना की गई है। इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अगर कुछ है तो वो है कारण, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कारण के बिना कार्य उत्पन्न नहीं होता है, और चरक संहिता में ये बात प्रैक्टिकली हर जगह पे बताई। जैसे निदान स्थान के आठवें अध्याय में उन्होंने कहा कि विकार हो या प्रकृति हो, ये दोनों में से कुछ भी जो है वो तद हेतु वशगम, ये हेतु के ऊपर आधारित है। हेतु हो अभावात नानुवर्तते, हेतु अगर नहीं है, कारण अगर नहीं है तो ये उत्पन्न नहीं हो सकते। और जैसे मैंने कहा कि कार्य हमेशा कारणानुरूप होता है, वो बात भी प्रैक्टिकली क्लिनिकली यहां पे उन्होंने बताई है विमान स्थान में कि प्रकोपण विशेषात दूष्य विशेषात च विकार विशेषान, विशेष प्रकार के विकार जो है, विशेष प्रकार के रोग जो है, वो विशेष प्रकार के निदानों से और विशेष प्रकार के दूष्य के कारण उत्पन्न हो। दोष तो हमें पता है कि तीन ही है, वायु पित्त और कफ, किंतु उनको प्रकोपित करने वाले, उनको दूषित करने वाले निदान जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं, और उन विशेष प्रकार के निदान से दूष्य धातुएं हैं, मल है, श्रोतस है, अग्नि, ये सभी दूष्य हैं। इस प्रकार का दूष्य इसमें इन्वॉल्व हुआ है, उनके आधार पे विकार विशेषांक, विविध प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। तो तीन ही दोष से, केवल तीन जो परिगणित है, ऐसे तीन ही दोष से अपरिगणित अपरिमित विकार कैसे उत्पन्न होते हैं, केवल निदानों के या प्रकोपण विशेषा हेतु विशेषा। वही बात यहां पर भी क्यों है कि अगर आपको कोई व्याधि ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, जो हमें पहले नहीं देखा है, ऐसे किसी व्याधि को अगर जानना है तो आपको तीन ही चीज जाननी है, विकार प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान विशेषांश, दैट इज निदान विशेष, कारण विशेष, किस कारण विशेष से ये उत्पन्न हुआ है। अगर ये आप जान लोगे तो आप नाम न जानते हो तो भी उन व्याधि की बहुत अच्छी तरह से चिकित्सा कर सकोगे, क्योंकि हम चिकित्सा का पहला प्रकार जो है उसे हेतु विपरीत चिकित्सा कहते हैं।
सूत्र स्थान के दसवें अध्याय में जहां पे मैत्रेय ने आत्रेय के सामने अपना विरोध प्रकट किया है, वहां पे कंक्लूडिंग रिमार्क करते हुए आत्रेय ने एक जो लिखा है, महर्षि आत्रेय ने जो भी कुछ उपदेश दिया है वहां पे महर्षि ने ये लिखा है कि हम क्या करते हैं, तो वहां पे उन्होंने ये लिखा है कि हम विकारान मूल विशेषम, मूल से दूर करते हैं, मूल से दूर करते हैं माने हेतु से दूर करते हैं। चक्रपाणी जी ने वहां पे टीका पे लिखा है कि मूल विपरीतान चिकित्सा मह, ये शब्द है मूल विपरीतान माने हेतु विपरीत, तो हमारी चिकित्सा जो है वो प्रधानतः हेतु विपरीत चिकित्सा है और इसलिए हेतु को कारण को हमने बहुत महत्व दिया है। विमान स्थान के आठवें अध्याय में दशवित परीक्षा भाव की बात आई है, उनको ध्यान में रख करके, क्योंकि वहां पे फिर दशवित परीक्षा भाव का जो स्पष्टीकरण हुआ है वो धातु साम्य के संदर्भ में हुआ है, और धातु साम्य के संदर्भ में जब स्पष्टीकरण हुआ है तो वहां पे कारण जो है वो विषक को बताया गया, कारण जो है वो भेषज या औषध को बताया गया, किंतु क्योंकि आज हम क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करने वाले हैं तो हमारे लिए जो है वो कार्य व्याधि है, रोग उत्पन्न हुआ है, तो रोग उत्पन्न होने के संदर्भ में उनको अगर देखिए वहां पे जो दश है उनमें से पांच चीजें जो है वो स्पष्टतः कारण से संबंधित है, कारण करण कार्ययोनि प्रवृत्ति देश और काल, छे ये जो है ये अलग अलग प्रकार से कारण बनते हैं कार्य की उत्पत्ति के लिए, फिर कार्य कार्यफल अनुबंध, ये उत्पन्न होने वाला कार्य और उसके परिणाम, क्योंकि कार्य जो है वो उत्पन्न होता है फिर परिवर्तन होता रहता है, उस कार्य से भी कुछ परिणाम मिलता है, कुछ आगे चलता है, उसे कार्यफल या अनुबंध कहा गया है, तो उनकी बात है, और उपाय जो है वो श्रेष्ठत्व की बात है। तो दस में से छह जो है वो कारण है, इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं, केवल एक बात पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि दर्शनों से या फिलोसॉफी से आयुर्वेद का वैशिष्ट्य यहां पे रहता है कि हमने प्रवृत्ति को भी कारण का स्टेटस दिया है। अगर आप कोई भी सांख्य दर्शन में देखें तो दो प्रकार के कारण उन्होंने बताया, उपादान कारण और सहकारी कारण, वैशेषिक दर्शन में या न्याय वैशेषिक में देखें तो समवायी असमवायी और निमित्त, ऐसे तीन प्रकार के कारण बताए, किंतु ये जो कारण है उपादान कारण कहो या समवायी कारण कहो वो अपने आप कार्य में नहीं बदलते हैं, यहां पे वो जैसे कि आपको पदार्थ विज्ञान की पुस्तकों में उदाहरण दिए जाते हैं कि मिट्टी जो है वो घड़े का समवायी कारण है, तो मिट्टी अपने आप पड़ा पड़ा घड़ा नहीं बन जाती, उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है और उस प्रक्रिया से गुजरते हुए मिट्टी जो है वो घड़ा बनती है, या तंतु जो है वो वस्त्र बनता है, तंतु का केवल समूह कर देने से वस्त्र नहीं बनता है, अगर आप तंतुओं का ढगला एक बड़ा सा ढेर कर देते हैं तो वस्त्र थोड़ी ना होता है, तंतु का समूह तो वो भी है, किंतु उनको अरेंज करके बिल्कुल निश्चित रूप से प्रक्रिया से जब तंतु गुजरता है तो वो वस्त्र बनता है, तो ये जो प्रक्रिया जो है वो भी कार्य की उत्पत्ति के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि उसका समवायी कारण और असमवायी कारण इत्यादि की बात है। तो ये प्रक्रिया की जो बात है, कुछ न्याय वैशेषिक के कुछ जो व्याख्याकार हैं उन्होंने असमवायी कारण को इस प्रकार से प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया है, किंतु आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति स्तु खलु चेष्टा कार्यार्थम, ये करके प्रवृत्ति जो कार्य के लिए जो प्रवृत्ति होती है, जो चेष्टा होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे भी कारण का स्टेटस दिया है, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रत्येक रोग में संप्राप्ति के रूप में किया गया है। हम जानते हैं कि दोष जो है वो व्याधि के समवायी कारण है, दूष्य भी उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, निदान जो है वो निमित्त कारण होते हैं, दोष दूष्य की सम्मूर्छना जो है ये असमवायी कारण के रूप में हम मानते हैं उसके, हालांकि आयुर्वेद के एक भी ग्रंथ में असमवायी कारण का नाम तो उल्लेख नहीं है, किंतु मूर्छना दोष दूष्य सम्मूर्छना को हम असमवायी कारण मानते हैं। तो ये हुआ, किंतु ये दोष ने दूष्य को दूषित किस प्रकार से किया, क्या हुआ, कैसे प्रकोपित हुआ, कहां से कहां गया, किस स्रोतस में गया, क्या किया, ये पूरी प्रक्रिया जो बनती है
वो प्रक्रिया संप्राप्ति के रूप में होती है और वही कार्यार्थ चेष्टा है, दोषों की चेष्टा है जो कार्य के लिए वो करता है और फिर वो व्याधि को उत्पन्न करता है। तो ये एक आयुर्वेद का वैशिष्ट्य है कि वो प्रारंभ जो है वो हेतु से होता है, उसके बाद उस हेतु में दोष भी होते हैं, निदान सेवन के द्वारा दोष की दृष्टि होती है, दोष की दृष्टि के द्वारा आगे चल करके संप्राप्ति बनती है और संप्राप्ति बन के व्याधि उत्पन्न होता है। ये प्रक्रिया को कारण का स्टेटस देना, ये चरक संहिता का वैशिष्ट्य है। उसी को आगे लेकर के हम चलते हैं कि अब हम सीधा, यहां तक हमने थोड़ी बहुत तात्विक चर्चा की, थ्योरेटिकल पार्ट देखा, अब थोड़ा सा हम सीधा क्लिनिकल पार्ट में चलते हैं, या ये कहें कि हम अब चलते हैं ओपीडी की ओर। तो ओपीडी में जब हम बैठते हैं तो हमारे पास रोगी लोग आते हैं। रोगी लोग जो रोग लेकर के आते हैं वो कार्य स्वरूप है और उसके कारण में कहीं ना कहीं शास्त्र ने जो तीन मूल कारण बताए उनमें से एक या एकाधिक रहता है, असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और काल। इसको और भी इस लिस्ट में तीन में से हम एक असात्मेंद्रियार्थ संयोग को प्रज्ञापराध में डाल सकते हैं, क्योंकि 90% केस में असात्मेंद्रियार्थ संयोग जो है वो प्रज्ञापराध के कारण ही होता है। तो बुद्ध्या विषम विज्ञानम विषमम च प्रवर्तनम, ऐसा प्रज्ञापराध की व्याख्या शारीरिक स्थान में दी गई कि बुद्धि के द्वारा विषम विज्ञान अलग तरीके से जानना, तो वो उसी का परिणाम जो है वो असत्मेंद्रियार्थ संयोग यानी अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग इत्यादि हो सकता है। तो प्रज्ञापराध और काल, ये कहीं ना कहीं आप अगर हिस्ट्री लेते हैं तो रोग के, सभी रोगों के मूल में कहीं ना कहीं के कारण मिलते, और ये कारण व्याधि को उत्पन्न करते हैं दोष प्रकोप के द्वारा। ये कारण जो है वो आपको कोई पेशेंट ये तो नहीं कहेगा कि मैंने असात्मेंद्रियार्थ संयोग किया है या मेरा प्रज्ञापराध हुआ है, ऐसा थोड़ी ना कहेगा कोई, ऐसा नहीं होगा। मगर आप जब हिस्ट्री लोगे, आप पूछोगे कि भाई क्या करते हो, क्या खाते हो, व्यायाम करते हो या नहीं करते हो, रात को कितने बजे तक जागते हो, मोबाइल में क्या क्या देखते हो, ये सब पूछना पड़ता है ना आजकल की पीढ़ी में। तो ये भी निदान आपको मिलते हैं कि मोबाइल में क्या देख रहे हो, रात को कितने बजे तक मोबाइल में देखते हो, लैपटॉप खोल के बैठते हो वगैरह वगैरह। तो इनसे आपको पता चलता है कि इसका तत्त्व इंद्रिय का जो है ये अतियोग हुआ है, अयोग हुआ है, या प्रज्ञापराध का भी कारण क्या है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे विषय आजकल इंटरनेट पे, ये जो जिसे कहते हैं क्या कहते हैं ओटीटी क्या कहते हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कुछ है, नेटफ्लिक्स से लेकर हॉटस्टार से लेकर जो भी कुछ हैं, उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो प्रज्ञापराध करवाती है, या प्रज्ञापराध के कारण उसको आप देखते हैं और फिर वो निदान के रूप में आपको मिलता है। तो ये निदान सेवन आपको मिलता है हिस्ट्री में, और वो निदान सेवन जो है वो कार्य के संदर्भ में क्या करता है, दोष प्रकोप करता है। किंतु दोष प्रकोप जो है वो हमेशा से अग्नि दृष्टि से ही होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चरक संहिता कह रही है, ये सिद्धांत है जो चरक संहिता में लिखा गया है कि शम प्रकोपौ दोषाणाम सर्वेशां अग्नि संश्रितौ। ये दोषों का शम या दोषों का प्रकोप, कोई भी दोष का हो, ये अग्नि के ऊपर आधारित होता है, ये सिद्धांत होता है। और इस सिद्धांत को आपको देखना है कि निदानों ने अग्नि के ऊपर क्या किया और कैसे दोष प्रकोप हुआ और फिर उस दोष प्रकोप के द्वारा किस प्रकार से लक्षणों की उत्पत्ति हुई। तो इस बात को हम थोड़ा सा एक उदाहरण के साथ देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमारी ओपीडी में कुछ अरसे पहले एक व्यक्ति करीब 45 साल के जो थे वो आए, जिनकी चीफ कंप्लेंट्स जो थी, जो मुख्य जो उनकी फरियाद थी, जो मुख्य उनकी तकलीफें थी, वो थी शिराशूल
भ्रम, हृल्लास और छर्दी। हृल्लास बहुत होता था, छर्दी कभी कभी हो जाती थी, और जब भी होती थी अम्ल छर्दी होती थी, बहुत अम्ल होता था, गले में जलन वगैरह होता था, और अंगमर्द माने पूरे शरीर में जो है उनको मजा नहीं आता था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हमने जब उनका हिस्ट्री लिया तो हमें पता चला कि उसमें आनाह या विबंध भी इस पेशेंट में है। तो ये एक हमारे सामने एक पिक्चर था जिसमें मूल या जिसमें जो महत्व जो उनकी कंप्लेंट थी वो थी शिरशु की, सर दर्द उसको सबसे ज्यादा होता था। पेशेंट जो है वो बहुत सारी मेडिसिन लेकर के आया था हमारे पास, हमसे पहले जो है वो काफी एलोपैथी दवाइयां कर चुका था, और सभी जगह पे उनके जनरल प्रैक्टिशनर से लेकर के फिजिशियन और न्यूरो फिजिशियन तक सभी ने इनका जो व्याधि भी निश्चय किया था वो था माइग्रेन। आप देख सकते हो कि ये करीब करीब माइग्रेन के सभी लक्षण इसमें मिलते थे, तो माइग्रेन उसका डायग्नोसिस हुआ था, और माइग्रेन के लिए जो भी कुछ उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी उसकी फाइल लेकर के वो आया हुआ था। हमसे पहले वो आयुर्वेद में भी कुछ और लोगों की चिकित्सा कर चुका था। अब मुश्किल ये होती है बहुत बार हम लोगों की कि जब पेशेंट बड़ी फाइल लेके आता है तो हमारा ध्यान उस फाइल पे ज्यादा रह जाता है, उसकी कंप्लेंट पे कम रहता है। तो संभवतः यही कारण था कि हमारे पास आने से पहले वो जिन जिन आयुर्वेद के पास, आयुर्वेद के जो भी गणमान्य चिकित्सक थे उनके पास गया था, उन लोगों ने भी इनको माइग्रेन ही कंसीडर किया था, और माइग्रेन कंसीडर करके माइग्रेन की जो भी चिकित्सा दी जा सकती है वो दे चुके थे लोग। तो ये सब हिस्ट्री के साथ पेशेंट आया। सामान्य रूप से होता यह है कि जब ओपीडी में पेशेंट आते हैं तो ओपीडी में काफी भीड़ होने के कारण इतने ज्यादा ध्यान हम बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हैं पेशेंट के ऊपर। तो इस पेशेंट में भी यही हुआ कि पहली बार जब आया तो पहली बार तो वही जो रूटीन चिकित्सा होती है शिरशूल को ध्यान में रखते हुए वही पथ्याधिकवाद सूत्र शिखर रस वगैरह वगैरह जो भी कुछ होती वो लिख करके हमने भेज दिया। हफ्ते 15 दिन तक, 2-1 हफ्ते उसने दवाई ली, उसको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा। तो फिर स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर इनको फायदा नहीं हो रहा है। तब फिर थोड़ा सा गौर से पेशेंट को देखा कि ये क्या हो सकता है। मेरी एक आदत है कि मैं फाइलें बाद में देखता हूं, पेशेंट की कंप्लेंट जो है वो सबसे पहले नोट करता रहता हूं। तो दूसरों की तरह मैंने फाइलें जो है वो पहले नहीं देखी और पहले उनको सुना और उनका पूरा हिस्ट्री लिया। अब जब पूरा हिस्ट्री लिया और सभी कंप्लेंट्स की लिस्ट मेरे सामने हुई तो अचानक मेरे मन में चरक संहिता चिकित्सा सन 15 का ये श्लोक आया। अब देखिए, शिरसोरुक भ्रम अंगमर्द छर्दी, और ऊपर पहली लाइन में विष्टंब माने उसको कॉन्स्टिपेशन भी में मिल रहा था। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं हम इसकी जो है माइग्रेन डायग्नोस करने में गलती कर रहे हैं। ये जो है ये ग्रहणी के अध्याय में दिए गए इस पिक्चर का पेशेंट है, क्योंकि ग्रहणी के अध्याय में प्रारंभ में ही जो उन्होंने बताया है कि इन सब निदानों की लिस्टें हैं, हम बाद में देखने वाले अभी, उन निदानों के द्वारा अग्नि का मानदेय होता है, और अग्नि मंद होने के बावजूद वो उसके बाद लघु अन्न का भी पाचन नहीं कर सकता है, और अन्न का शुक्तत्व होता है, और शुक्तत्व और अजीर्ण के बाद ये सब लक्षण उत्पन्न हो। तब लक्षण मिला मुझे, कार्य मिला, कार्य दिखने को मिला। अब उस कार्य का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो है वो हेतु विपरीत चिकित्सा हमारा मूल है, और हेतु को बिना जाने, कारण को बिना जाने, निदान परिवर्जन को बिना करवाए हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते या परिणाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए अब इसका हमें कारण भी चाहिए। तो हमने और थोड़ा सा
उसके बारे में सोचना, उसको हिस्ट्री लेना शुरू किया, तो हमें पता चला कि वो पेशेंट जैन धर्म का था और बहुत ही रिलीजियसली, बहुत ही श्रद्धापूर्वक वो जैन धर्म के सभी नियमों का पालन करता था और अभी वो पिछले एक साल से वर्षी तप कर रहा था, माने एक दिन जो है वो पूरा उपवास कर रहा था, दूसरे दिन केवल एक टाइम थोड़ा सा खाता था। तो ये हिस्ट्री हमें मिली, तो तुरंत ही हमें ये बात सामने आ गई। अब देखिए चरक संहिता जब ग्रहणी चिकित्सा में मंदाग्नि के अग्नि दुष्टि के कारणों की गणना करते हैं तो सबसे पहला कारण वो अभोजनात् कहते हैं। अभोजनात्, अजीर्णात्, अति भोजन, विषमाशन, असात्म्य गुरु, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहला है अभोजनात्। और उसी श्लोक में लास्ट वाली जो लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो है कि इन सब कारणों के द्वारा दूषयति अग्नि स दुष्टो अन्नम न तत् पचति लघु अग्नि, कि अभोजन के द्वारा भी अग्नि जो है वो मंद होता है और उस मंद अग्नि के द्वारा लघु आहार का भी, मतलब उसके बाद जो भी वो छोटा बहुत खाता है उसका भी पाचन नहीं होता है, शुक तत्व होता है, वो शुक तत्व अजीर्ण को उत्पन्न करता है और अजीर्ण को उत्पन्न होकर के ये सभी लक्षण करते हैं। आगे इसी अध्याय में स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे लिखा चरक है न अभोजनेन कायाग्निर्दीप्यते। थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करके मैं बता दूं कि हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि हम लोग हमेशा अजीर्ण या मंदाग्नि की बात आती है ना तो ज्यादातर पेशेंट में हम लंघन सजेस्ट कर देते हैं कि अग्नि मानदेय है, चलो लघु अन्न पे चले जाओ, एक दिन उपवास करो, ये करो वो करो। ऐसा नहीं होता है। लंघन की अपनी एक जो है मर्यादा है। चरक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि न अभोजनेन कायाग्निर्दीप्यते, अभोजन या भूखे रहने से अग्नि का दीपन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आहार अपने आप में ईंधन है और बिना ईंधन के अग्नि प्रदीप्त नहीं हो सकता। आप सूत्र सांख्य 28वें अध्याय के प्रारंभ में ये संदर्भ आपको मिलेगा जहां पे उन्होंने ये लिखा है कि आहार जो है वो ईंधन है। और हमारा शास्त्र तो ये भी कहता है कि जठराग्नि, जठर या आमाशय रूप यज्ञ कुंड में जो अग्नि होती है उसे आहार स्वरूप आहुति हमेशा देनी चाहिए। तो अगर आप ये नहीं देते हैं तो अग्नि की दीप्ति होना संभव ही नहीं। अगर आपका गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, आप उसको कनेक्शन नहीं देते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी गैस चलती रहे, तो ये कभी संभव नहीं। थोड़ा बहुत आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी इसको समझ सकते हैं कि आप जो भी कुछ खाते हैं उस आहार के से ही जो भी कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो भी कुछ उसके कंटेंट्स हैं उनका जिस स्वरूप में, अमीनो एसिड्स के स्वरूप में या ग्लूकोज के स्वरूप में, ग्लिसरोल के स्वरूप में जो भी कुछ शोषण होता है उन्हीं के द्वारा, प्रधानतः प्रोटीन्स के द्वारा ही एंजाइम्स बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं, जो एंजाइम्स आपके आहार के पाचन का काम करते हैं। तो अंततः बिना आहार के अग्नि का दीपन संभव नहीं है, अजीर्ण होता है। तो उस पेशेंट में भी हमने ये पाया कि भाई इसका मूल कारण जो है ये उसका वर्षी तप, अभोजन, उसके द्वारा उसका अग्नि दुष्ट हुआ है, दुष्ट अग्नि के द्वारा अजीर्ण हुआ, शुक तत्व हुआ और उसके द्वारा शीरशूल इत्यादि की। अब ये कारण हमें मिला तो उसकी चिकित्सा भी मिली। इसी अध्याय में ये एक और कार्यकारणवाद का बहुत ही अच्छा उदाहरण, यहां पे उन्होंने लिखा है कि उपवासाच्च मंदे अग्नौ यवागु भी पिबेद कृतम, कि अगर उपवास के द्वारा अग्नि मंद हुआ है तो यवागु के द्वारा घृत पान करवाना चाहिए। यवागु आप लोग जानते हैं जो हम शुकदान्य वर्ग के जो भी कुछ अन्य द्रव्य हैं उनमें षडगुण पाया जल डाल करके जो पचित करते हैं यवागु, वो उसके अंदर घी डाल करके उसको देना चाहिए। तो हमने वही कहा, हमने उसको यवागु चावल की बना करके उसमें घी डाल करके पीने को कहा। उसको कहा कि भैया आप ये आप
जाकर के अपने महाराज साहब से या देरा साहब में कह दो कि भाई ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, उसका जो भी कुछ और विधि हो सकती है वो करो, मगर जब तक आप खाना ठीक से मात्रावत नहीं खाओगे तब तक आपका ये शिरशूल और इत्यादि जो कंप्लेंट्स है वो दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका मूल कारण यहाँ छुपा हुआ है। उनको पूरी बात समझाई, उनको समझ में आई, बहुत हिचकिचाए क्योंकि बहुत ही रिलीजियसली अपने धर्म के अंदर वो पालन करने वाले थे, इसलिए उनको ये बंद करवाना हमारे लिए भी काफी मुश्किल था, किंतु अंत में पढ़े लिखे आदमी थे इसलिए वो समझे, समझ करके उन्होंने ये बंद किया और उन्होंने अन्य चिकित्सा के साथ ये यवागु कृत के साथ वाली हमने दी। और जो काम माइग्रेन की इतनी सारी चिकित्साएं नहीं कर पाई, जो काम पत्यादि को आज से नहीं हो पाया, वो काम यहाँ पे हम लोगों को मिला और उसका शिरशूल अच्छा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया पेशेंट एक आध महीने। ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने कार्य और कारण की संकल्पना को अपने दिमाग में रखा और उस कारण को ध्यान में रख करके हमने चिकित्सा की। अब देखिए कि यहां पे जब पहली स्लाइड में दूसरी स्लाइड में मैंने कहा था कि एक कार्य जो है वो अनेक प्रकार के कारणों से उत्पन्न हो सकता है और उनको आपको ध्यान में रखना है और उनको ध्यान में रख करके आपको चिकित्सा देनी है, वो बात यहाँ पे चरक संहिता में चिकित्सा सामने भी कही गई। अब देखिए कि उन्होंने कहा है कि उदावर्ता तू मंदे अग्न निरुहास ने बसते हो, अगर अग्नि मंदे उदावर्त के कारण हुआ है तो उसको निरुबस्ती और स्नेह बस्ती देना चाहिए। दोष वृद्धिया तू मंदे अग्न शुद्ध दोष विधि चरे, अगर वही मंदाग्नि कार्य सेम है, याद रखिए, देखिए आप लोग कि मंदाग्नि कार्य रूप में आपको जो मिला है वो सेम है, वही अग्निमांड्य के ही चीज आपको मिल रही है किंतु उसका कारण भिन्न है। अगर दोष वृद्धि के कारण, तीनों दोष के द्वारा हो सकता है, कफ के द्वारा भी हो सकता है, पित्त के द्वारा भी हो सकता है, वात के द्वारा भी हो सकता है, जिसे हम आमाजीर्ण विदग्धा जीर्ण विशब्दा जीर्ण कहते हैं, तो अगर उसके द्वारा उस प्रकार से अगर अग्निमांड्य हुआ है तो शुद्धम दोष विधि चरित, आगे जो दोष के द्वारा, प्रत्येक दोष के द्वारा जो विधि कही गई है उसके द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। वो विधि आप लोग जानते हैं जो अष्टांग हृदय में उन्होंने बताई दी है कि लंघनम कार्य मामे तो विष्टभ वेदनम कुशम, अगर कफ के द्वारा अग्निमांड्य हुआ है, आमाजीर्ण हुआ है तो उसमें लंघन काम करेगा, अगर वात के द्वारा हुआ है, विष्टभ जीर्ण है तो उसमें स्वेदन करवाना पड़ेगा, अगर पित्त के द्वारा, पित्त के द्रव गुण के द्वारा अग्निमांड्य हुआ है, विदग्धा जीर्ण हुआ तो उसमें वमन करवाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग है, अग्निमांड्य सेम है किंतु कारण भिन्न है और कारण भिन्न है तो चिकित्सा भिन्न है। आगे देखिए, व्याधि युक्तस्य मंदे तो सर्पिरेव अग्निदीपन, अगर लंबे अरसे तक कोई व्यक्ति बीमार रहा है, व्याधि युक्त रहा है और उस कारण से उसका अग्निमंद हुआ है तो उसको केवल घी देकर के, सर्पी देकर के उसका अग्निदीपन करना, और जैसा कि हमने अभी अभी देखा उपवास अच्च मंदे अग्नव यवागु भी विभेद करता, अगर उपवास के द्वारा अग्नि मंद हुआ है तो ऋतपान यवागु के माध्यम से करवाना है। तो आप देखिए कि कार्य कारणता की कितनी महत्ता है, कार्य एक होते हुए भी कारण भिन्न हो जाए और कारण भिन्न है तो उसकी पूरी चिकित्सा भिन्न हो जाती है। तो एक कारण कार्यवाद का सीधा सीधा एप्लीकेशन क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको यहाँ पे मिलता है, देखने को मिलता है। इसी बात को एक और केस से हम आगे बढ़ाते हैं। एक महिला पेशेंट 30 वर्ष की आयु की करीब करीब वाली जो है वो हमारे पास ओपीडी में आई, सिंपल सी कंप्लेन थी, आदमान आटो पाना, शरीर में क्लम वगैरह था उनको। आदमान आटोप आना पारिभाषिक शब्द है, तीनों के अर्थ भिन्न भिन्न है, आपको ध्यान में होगा कि जब उदर में वात का अतीव संचय हो जाता है तो उसे आदमान कहा जाता है, उदर में वात के संध के साथ शब्द होता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ वगैरह शब्द होता है अंतर में तो वो आटोप है, और जो अनाह जो है वो विबंध की स्थिति है कि जहां पे वात और पुरुष की प्रवृत्ति रुक जाती है तो वो, जिसे हम सामान्य परिभाषा में विबंध कहते हैं, वो अनाह की स्थिति होती है। तो ये लक्षण उसमें थे और क्लम
बिना परिश्रम के थोड़ी बहुत थकान वगैरह भी रहता था उनको, उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है, और आप लोगों को भी ये बार बार अपनी ओपीडी में फेस करना होगा, किया होगा आप लोगों ने भी, पर्टिकुलरली जब इस प्रकार के विबंध के पेशेंट आते हैं, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट आते हैं कि साहब मैं ये दवाई लेता हूं तो कुछ दिन तो ठीक रहता है, फिर ये दवाई काम करना बंद कर देती है, फिर डोज बढ़ाता हूं तो फिर 2-3 दिन ठीक रहता है, फिर इस दवाई से काम नहीं होता है। तो हमेशा से ये रहता है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि हम आजकल जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बहुत बड़ा चर्चा चल रही है, बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, और उसके ऊपर बहुत बड़े सेमिनार वेबिनार वगैरह वगैरह हर जगह पे हो रहा है, एनसीडीज लोग कर रहे हैं, और उसमें ओबेसिटी, अस्थौल्य, डायबिटीज, प्रमेह, हार्ट, कार्डियक डिजीज, रूमेटिज्म, इन सब की बहुत बहुत बातें करते हैं, पर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रिविलेंट एनसीडी अगर कोई है तो ये विबंध आना है। वो लाइफस्टाइल से बहुत जबरदस्त जुड़ा हुआ है और आपको हर तीसरे चौथे पांचवें आदमी में मिल जाता है। तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, जो रोज की प्रैक्टिस में हमारे सामने आती है, वहां पे हम लोगों को थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये एक पिक्चर हमारे सामने आया, और जैसे कि मैंने कहा कि ये पेशेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं किया था, क्योंकि ये केवल सिंपल सा उनको लगता था कि ये गैस की तकलीफ है, और उसके लिए जो है वो पहले अपने आप ओटीसी प्रोडक्ट्स, क्योंकि गैस और विबंध में जो है वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे, आयुर्वेद स्टोर पे जाओ तो वो स्टोर वाला जो है वो भाई जिससे ज्यादा बुद्धिमान होता है तो वो अपनी ओर से दवाइयां दे ही देता है हर एक को। तो ऐसी दवाइयां वो बदलती रही है, उन्होंने काफी दवाइयां खा चुकी थी, कुछ पैटेंट खाई थी, कुछ शास्त्रीय खाई थी, ऐसा ऐसा कुछ खा करके आई थी हमारे पास, और इनकी यही कंप्लेन थी कि ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, मतलब ये समझ लिया जो कि कम से कम 12-15 तो चूर्णों का नाम वो अपना हमारे सामने बोल गई कि इंगोस्टक मत देना, शिवाक्षर मत देना, दीनदयाल मत देना, लवण भास्कर मत देना, ये सब मैं खा चुकी हूँ, क्या करोगे? ऐसा पेशेंट आपके पास आता है तो क्या करोगे? तो जैसे मैंने कहा कि मेरी आदत है तो हम डिटेल थोड़ी हिस्ट्री लेते हैं। ये एक वर्किंग लेडी थी और प्राइवेट बैंक में काम करती थी, पीआर वगैरह जो होते हैं उनके उसमें काम करने वाली ये लेडी थी, वर्किंग लेडी थी। तो हमने हिस्ट्री में ये पाया कि वो अपने जो लुक के लिए बहुत ही कॉन्शियस थी, और अपना वजन ना बढ़े इसलिए वो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड डाइट, या जिसे आजकल डाइट पे है ऐसा कहा जाता है, वो डाइट पे चलती रहती थी। साथ साथ में कलाड्स बहुत ज्यादा खाती थी दो कारणों से। एक तो किसी ने ये बताया था उनको कि भी कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है वो सलाड्स बहुत अच्छे होते हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं, तो ये फाइबर्स आपको खाने चाहिए, तो इसलिए सलाड्स और स्प्राउट्स, विरूढ़क हम जिसे कहते हैं, वो हमेशा सुबह खाने में जो है नाश्ते में बाउल भर के वो विरूढ़क या स्प्राउट्स देती थी, और खाने में ये कहना है उसके शब्दों में, हाफ ऑफ माई मील विल बी द फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ सलाड। तब आप देखिए कि खाने की उसकी मात्रा जो है वो बहुत ही कम थी, शाक कच्चे सलाद के स्वरूप में ज्यादा थे और विरुद्ध दाने थे। ये तीनों कारण हमें तुरंत पकड़ में आ गए, पर हमने उसे कहा कि मैं जब तक कि आप इनसे बाहर नहीं निकलोगे तब तक ये आपकी कंप्लेंट्स दूर होने वाली नहीं, क्योंकि शास्त्र का ये कहना है कि भोजनम हीन मात्रम तू न बलोपचयो जसे सर्वेशाम वात रोगाणाम हेतुताम च प्रपद्यते। मात्राहीन भोजन जो है वो वात का प्रकोप करता है, रोक्ष के द्वारा वो वायु को प्रकुपित कर देता है, और जो सलाड्स शाक है उन शाक के लिए भाव प्रकाश में लिखा, प्राय शाकानी सर्वाणी विष्टंबीनी गुरुणी च रुक्षाणी, प्राय करके सभी शाक जो है
वो रुक्ष होते हैं, विष्टम भी होते हैं, गुरु होते हैं। तो चरक संहिता के शाक वर्ग की टीका में चक्रपाणी ने और उसमें टीका श्लोक में भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनको स्वरस निकाल करके स्नेह स्विन्न करके खाना चाहिए, क्योंकि तभी उसकी रुक्षता जो है वो थोड़ी कम होगी, तभी वो खाने लायक होगी। विरूढ़क या स्प्राउट्स को सुश्रुत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वात पित्त प्रकोपक विष्टम भी ये बताया है। तो इसलिए सभी हेतु थे। और अगर आप आहार विधि विशेष आयतन में मात्रावत अश्नियात का फल देखेंगे तो ये लिखा है उन्होंने, मात्रावत ही भुक्तम वात पित्त कफान अपीड़यन आयुरेव विवर्धयति सुखम गुदम अनुपर्येति, माने के सुख पूर्वक गुदा के द्वारा गुदा तक पहुंच जाता है, गुदा से निकाल देता है अगर वो मात्रा पूर्वक है। अति मात्रा है तो भी नहीं, मात्राहीन है तो भी। तो यहां पर भी आप केवल औषधों का उपयोग करेंगे तो आपको परिणाम इतना नहीं मिलने वाला है। मात्राहीन भोजन जो उसका कारण है, जिसके कार्य के रूप में उसको अधमान आटोपाना वगैरह हो रहे हैं, इनको दूर करना ये बहुत ही आवश्यकता थी। और हमने पहला काम ये किया कि बहन आप ये बंद करो, हिचकिचाहट होती है क्योंकि YouTube पे देखते रहते हैं या बहुत लोग पढ़े लिखे हैं इंटरनेट जानते हैं, नहीं नहीं सर फाइबर्स तो लेने चाहिए ऐसा कहा है। हमने कहा अगर फाइबर्स लेना है तो अपनी रोटी का आटा जो है वो बाहर से रेडीमेड लेने की बजाय आप उसको थोड़ा सा वो वाला आटा लीजिए, थोड़ा सा मोटे वाला आटा लीजिए, भाखरी खाइए, वो तो खानी नहीं है आपको, फाइबर उसमें भी मिल जाते हैं, वो खाइए आप, तब जा करके आपको फाइबर्स का भी बेनिफिट मिलेगा। किंतु अगर आप सलाद खाते रहोगे और वो भी इतनी सारी मात्रा में, तो ये आपका जीर्ण या ये आपका जो विष्टब्दा जीर्ण है वो कभी भी चीज। बहुत बार तो ऐसे पेशेंट्स को हमें ऐसे रूढ़ शब्दों में भी समझाना पड़ता है कि भाई हम इंसान हैं, हम गाय भैंस बकरी नहीं है, गाय भैंस का अगर पाचन तंत्र हमें मिला होता है तो हम इतना सलाद पचा सकते हैं, क्या करें, बहुत बार ऐसा करना पड़ता है हम लोगों को। तो अंत में उन्होंने माना, इसके साथ साथ हमने उनको उष्ण जल इत्यादि का प्रयोग किया, अनुलोमन औषध दिए और उनकी कंप्लेंट्स जो है वो ठीक। तो ये दूसरा उदाहरण है जहां पे कारण और कार्य का संकलन करके हम परिणाम दे सकते। एक केस स्टडी आप देखिए, दूसरे एक सिद्धांत की भी हम यहां पे बात करेंगे। एक केस स्टडी आप देखिए डायबिटिस मेलिटस का। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि आजकल एनसीडीज की बहुत बात हो रही है और एनसीडीज में ये अक्सर आता है कि इंडिया इज गोइंग टू बी वर्ल्ड्स कैपिटल ऑफ डायबिटीज, और हमारे यहां जो है इसका इंक्रीज रेट 266% है। नाउ व्हाई दिस हैपेंस, हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। आप एक बात सोचिए कि हमारे पूर्वज, या पूर्वज तो बहुत दूर की बात है, हमारे आपके पिताजी जितना मीठा खाते थे उतना हम नहीं खाते हैं, और हमारी अगली पीढ़ी माने आप जो भी कोई कॉलेज के अगर बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, बहुत ही अवेयर हैं, वो तो एक्सरसाइज भी करते हैं। और हमारे दादाजी जितना खाते थे उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उस जमाने में, हमारे दादाजी के जमाने में, हमारे पिताजी के जमाने में भारत जो है वो डायबिटीज का कैपिटल नहीं था। और अब जब देखिए हमने अवेयर हो गए हैं, अवेयरनेस आ गई है, हम कैलोरी कॉन्शियस हो गए हैं, गिन गिन करके खाना खाते हैं, शुगर नहीं लेते हैं, कम लेते हैं, फिर भी आज हम वर्ल्ड्स कैपिटल ऑफ डायबिटीज, ऐसा क्यों? बहुत लोग इसका उत्तर ये देते हैं कि पिछली पीढ़ी ने बहुत मीठा खाया और हमें मीठे मीठे जीन्स देके गई और उसमें, बट ऐसा नहीं है। ये तो बहुत कम होता है कि जहां पे जुवेनाइल डायबिटीज या जेनेटिक कंडीशंस के द्वारा होता है। हमें इसके लिए आयुर्वेद की संप्राप्ति की ओर जाना। हमारे यहां प्रमेह की संप्राप्ति में इंपॉर्टेंट वर्ड बहुद्रवः श्लेष्मा है,
और वो उसके निदान के संदर्भ में लिखा है कि प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम, जो भी कफ वाले निदान है वो सब प्रमेह के हेतु है। तो यहाँ पे हमें दो प्रश्न हमारे मन में आते हैं, पहला तो कि श्लेष्मा में द्रवता आई कहां से, कैसे आ गई। अबद्ध मेद भी वही बताता है कि शरीर में द्रवता बड़ी है तभी तो मेद अबद्ध हो रहा है, मांस जो है वो अबद्ध हो रहा है, शरीर का क्लेद बढ़ रहा है। तो ये द्रवता शरीर में बड़ी कैसे, कहां से आई। और दूसरा कि कफकृच्च सर्वम, जो भी कुछ बताया गया है बहुत ही अवेयर है हम, इतने सारे कफ वाले जो भी निदान है वो हम नहीं करते हैं, फिर भी क्यों हम डायबिटीज कैपिटल है। तो जब हम इसके ऊपर विचार करते हैं तो एक और सिद्धांत जो शास्त्रकारों ने दिया है उस मन में आता है, दैट इज लोक पुरुष सिद्धांत। लोक पुरुष सिद्धांत जो चरक शारीरिक स्थान में बताया गया है वहां पे हम लोग बहुत लिमिटेड उसमें पढ़ते हैं और वहां पे जितने भी भाव बताए वो बच्चों को रटा देते हैं, ये जो है ये इतने भाव को रट लो और आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं। लोक पुरुष सिद्धांत का अर्थ ये है कि जो घटनाएं आपके आसपास की सृष्टि में बनती है वही घटना है उसी प्रक्रिया से आपके शरीर में भी बन सकती है। तो हम जब छोटे थे तब हम लोगों को ज्योग्राफी में, भूगोल में एक बात पढ़ाई जाती थी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में साल में दो बार पूर आता है, फ्लड आता है, एक वर्षा ऋतु में रेनी सीजन में जबकि बहुत बारिश होती है तो उस बारिश के द्वारा पानी बढ़ता है तो उस पानी के द्वारा हिमालय की नदियों में पूर आता है, और दूसरा गर्मी की सीजन जब हिमालय का बर्फ पिघलता है तो वो पिघले हुए बर्फ के द्वारा पानी का स्तर बढ़ता है और हिमालय की नदियों में गर्मी के दिनों में भी पूर आ जाते हैं। ये बात हमें ज्योग्राफी में पढ़ाई गई थी जिसको हमें शरीर में देखना है लोक पुरुष सामर्थ्य। कि द्रव जो है वो दो प्रकार से बदल सकता है, एक तो द्रवता की वृद्धि से जो बारिश हुई है ना, तो सामान्य वृद्धि कारणों वाला कि द्रव बहुल आहार लिया, द्रव गुण गया तो द्रवता बढ़ी। दूसरा जो शास्त्र ने वसंत ऋतु की ऋतुचर्या में कफ के प्रकोप का कारण बताया है जिसे हम व्यंजक हेतु कहते हैं, हेमंते निचितो श्लेष्मा, हेमंत ऋतु में जो संचित हुआ श्लेष्मा जो है वो वसंत ऋतु में सूर्य के ताप से पिघलता है और पिघल करके उसमें द्रवता बढ़ती है। अब हम प्रमेय की संप्राप्ति को देखें तो प्रमेय की संप्राप्ति में सबसे पहला शब्द क्या है, अस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक अनुपमास पयांसी। प्रारंभ कहां से हुआ, अस्या सुखम स्वप्न सुखम, माने शास्त्र की दृष्टि से प्रमेह का प्रधान हेतु जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। अस्या सुखम स्वप्न सुखम इनके द्वारा शरीर में जो है वो कफ संचय हो जाता है, जब मैं हिलूंगा ही नहीं अपनी जगह से। और आजकल तो इतनी बहुत सारी इतनी मतलब आधुनिक संशोधनों ने हमारी जिंदगी इतनी सरल बना दी है कि हमें हिलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे जमाने में मतलब हम जब छोटे थे तो टीवी में चैनल बदलने के लिए वैसे 6-7 ही चैनल आते थे, ज्यादा आते नहीं थे, बट फिर भी हमें अपनी कुर्सी से उठ करके टीवी तक जाना पड़ता है। आजकल रिमोट आ गया है और अभी तो मैंने ये सुना है, अभी मैंने देखा नहीं है, मेरे घर में नहीं आया, बट मैंने सुना है कि एक ही रिमोट से सब कुछ, आपका एसी भी कंट्रोल होता है, आपका टीवी भी कंट्रोल होता है, आपके सब कुछ रिमोट से कंट्रोल हो जाता है। तो आदमी दूसरा तीसरा रिमोट भी नहीं, एक रिमोट हाथ में लेके बैठ गया सब कुछ हो गया, हिलता नहीं है आदमी। साइकिल चलाते थे हमारे पूर्वज, जो मैंने कहा कि हमारे पूर्वज बहुत मीठा खाते थे बट चल के जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, साइकिल चलाते थे। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शारीरिक श्रम बहुत करता था। हम लोग गाड़ी चलाते हैं और उसमें भी सेल्फ स्टार्ट चलाते हैं, हम किक भी नहीं लगाते आजकल। तो आस्या सुखम स्वप्न सुखम से हम बिल्कुल अपने शरीर में कफ का जबरदस्त संचय कर लेते हैं और वो संचित कफ उष्ण आहार विहार से पिघलेगा। माने आप मीठा नहीं खाते हो, आप कैलोरी कॉन्शियस है, आप बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स को छोड़ रहे हैं, बट आप पानीपुरी रोज खाते हो, आप चाइनीज रोज खाते हो, तो वो उष्ण तीक्ष्ण चीज अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप
अक्षय सुकम वाले हैं, अगर आपकी लाइफ स्टाइल सिडेंटरी है तो वो चाइनीज, वो पानी पूरी, वो पफ, वो उष्ण तीक्ष्ण हॉट डॉग बर्गर जो भी कुछ है, पता नहीं कौन कौन से लोग खा जाते हैं, लोग हॉट डॉग कोल्ड डॉग पता नहीं मुझे, खा जाते हैं, तो ये सब सॉसेस वाली चीजें जो है वो उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण आपका संचित कफ जो आपने बैठे बैठे पाल पोस करके बड़ा किया है उसको पिघलाएगी। वो पिघला हुआ कफ जैसे हिमालय की नदियों में पूर आता है वैसे शरीर में पूर लाएगा द्रवता का, और वो पूर बहुद्रव श्लेष्मा होगा, वो द्रवता वेद में जाकर के उसको अबद्ध बनाएगी, बस्ती में जाकर के प्रमेह को उत्पन्न करेगी। तो अगर आपको कोई पूछे कि यार पानी पूरी खाने से थोड़ी ना प्रमेह होता है, होता है, चाइनीज खाने से थोड़ा प्रमेह होता है, होता है अगर आप आस्य सुखम स्वप्न सुखम वाले, अगर आपके शरीर में मेद का बहुत संचय है, कफ का बहुत संचय है, तो उष्ण तीक्ष्ण आहार भी कफ को द्रव बना करके प्रमेह उत्पन्न कर सकता है। हर बार करता है ऐसा मेरा कहना नहीं, किंतु डायबिटिक कैपिटल जब हम है तब हमें इस विषय पर भी विचार करना पड़ेगा। और अगर कारण यह है, द्रवता है, तो हमारी चिकित्सा रुक्षिता होगी। कफज व्याधि होने के बावजूद भी हम उसमें उष्ण गुण चिकित्सा में उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उष्णता से तो पिघलता है। तो ज्यादातर आप देखेंगे तो शास्त्र में जितने भी प्रमेह के औषध हैं वो सभी रुक्ष है, क्योंकि रुक्ष की व्याख्या में हेमाद्रि ने लिखा है यस्य द्रव्यस्य शोषणे शक्ति स रुक्ष। तो द्रवता का शोषण करना पड़ता है और उस शोषण के लिए रुक्ष रस हमें उपयोग में लाना पड़ेगा, रुक्ष गुण सॉरी उपयोग में लाना पड़ेगा, और रुक्ष गुण कषाय रस में अत्यधिक होने के कारण कषाय द्रव्यों का उपयोग करना है। और साथ में ये याद रखना है कि हम रूटीन में जो डायबिटीज वालों को जो पत्ते पत्ते देते हैं, जो मॉडर्न वाले भी देते हैं कि भाई मीठा मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, हमारे उसके साथ साथ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें अम्ल और लवण को भी कम करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संप्राप्ति में द्रवता बढ़ रही है और अम्ल और लवण दोनों में ये लिखा हुआ है कि कफम विलापयति कायम शिथिली करोति कफम विशंदयति उपक्लेदी शिथिल मास शोणिता वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, आप चरक संहिता सूत्र स्थान का जो है 26वां अध्याय और अत्रे भद्र का पी और विमान स्थान का पहला अध्याय जहां पे लवण के अति योग की बात लिखी है वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये क्लेद कम करने के लिए हमें केवल केवल मॉडर्न वाले कहते हैं कि मीठा मत खाओ, चावल मत खाओ, इसलिए हम कह देते हैं कि मीठा मत खाओ, चावल मत खाओ। अगर हमें प्रमेह की चिकित्सा अपने ढंग से करनी है तो उसके कारण स्वरूप द्रवता को दूर करना पड़ेगा, और वो द्रवता उत्पन्न करने वाले प्रत्येक रस प्रत्येक द्रव्य को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें जो मैंने कही, ऐसे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं बहुत सारे सिद्धांतों के विषय में, किंतु जैसे कहा है ना कि गुजराती में हमारे यहाँ एक कहावत है कि थोड़ू एटलू मीठू, माने जो जितना कम लेते हैं तो उतना ज्यादा पसंदीदा होता है, अगर बहुत लंबा खींचते हैं तो आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए आज इस एक सिद्धांत के साथ यहाँ हम कंक्लूड करते हैं, इस कंक्लूजन के साथ कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कारण इज प्राइमरी नेसेसिटी फॉर सक्सेसफुल आयुर्वेद प्रैक्टिस। विषय तो इतना लंबा है कि ये कभी पूर्ण होना ही नहीं है, किंतु इनको पूर्ण मान लीजिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ हेतल मैम का, दीक्षा का, और पूरी जो है NIA की आयुर्वेद परिषद, विश्व आयुर्वेद परिषद की टीम का, कि मुझे आज मौका दिया आप लोगों के साथ मेरे विचार शेयर करने का। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही गंभीर विषय को बहुत ही मनोरंजक तरीके से बताया, और बहुत ही जो साइंटिफिक जो आपने प्रूफ दिए हैं उसके आधार पर आपने डेफिनेटली हमें हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसे
यूज करने के बहुत अच्छे मार्गदर्शन दिए हैं और कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम कैसे चिकित्सा सूत्र को अप्लाई करें उसका आपने बहुत ही विशेष दृष्टिकोण डिफरेंट विजन हमको दिया है। और डेफिनेटली अगली बार ओपीडी में जब भी कोई अग्निमांद्य की पेशेंट आएगी तो हमें उसके रूट कॉज के पीछे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली देखा कि अग्निमांद्य आते ही हम एक रूटीन सा प्रिस्क्रिप्शन उन्हें दे देते हैं तो बिल्कुल ट्रीट नहीं हो रहा होता है और हम नहीं समझ पा रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो डेफिनेटली सर एक बहुत ही डिफरेंट विजन दिया है आपने हमें कि कैसे हम सिद्धांतों को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करें। और आप कह रहे हैं जैसा कि लंबा हो जाएगा इलैबोरेट हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा, लेकिन सर मुझे लिटरली पता नहीं पड़ा कब 5:30 बज गए और मैं अभी भी चाह रही थी कि कुछ एक दो सिद्धांत और हमें इलैबोरेट कर को मिल जाए। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सर कि नेक्स्ट टाइम या जल्द ही मुझे लगता है हमें आपका लेक्चर दोबारा कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही यूजफुल लेक्चर सर आज का रहा। बिल्कुल करेंगे, अगर आपकी लोगों की अगर मांग होगी तो बिल्कुल ही दूसरे कुछ सिद्धांतों लेकर के इसी प्रकार से बात करेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच सर। सर ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, एक डॉक्टर रिशु मैम ने पूछा है इज देयर एनी कंसेप्ट ऑफ LCHF और कीटो डाइट इन आयुर्वेदा। देखो बहुत ही मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूँ कि हमें दो विज्ञानों को इस प्रकार से मिक्स करने की आवश्यकता नहीं। हमें अगर हमारे विज्ञान से काम करना है तो हमारे सिद्धांतों के ऊपर काम करें। हम अगर इसको कीटो डाइट या ये डाइट वो डाइट को आयुर्वेद में ढूंढने जाएंगे तो हम आयुर्वेद को अन्याय करेंगे, ये बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं इस परंपरा का व्यक्ति हूँ नहीं, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस दृष्टि से देखता ही नहीं हूँ कभी, तो ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इसका उत्तर दूं। मैं बहुत ही प्रामाणिकता से कहता हूँ कि मैं इस दृष्टिकोण से कभी नहीं देखता हूँ, इसलिए मैं नहीं देख पाऊंगा। नहीं नहीं, डेफिनेटली सर कुछ जगह पे है कि हमें मिक्स ना ही करें सिद्धांत तो बेटर है, जब हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेद से मिल रही है तो मिक्सअप नहीं करना ही एक बेटर ऑप्शन रहेगा। इसी के माध्यम से ही हम आयुर्वेद को हमारी एक राष्ट्रीय पद्धति घोषित करा पाएंगे। बिल्कुल। एक सर डॉक्टर नीतू अग्रवाल पूछ रहे हैं कि ओबेसिटी के पेशेंट में क्या कर सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट प्लान पूछ रहे हैं वो। देखिए ओबेसिटी के पेशेंट में ट्रीटमेंट प्लान या कोई भी पेशेंट में हम ट्रीटमेंट प्लान जब करते हैं तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पर्टिकुलरली स्थौल्य आयुर्वेद में अर्श स्थौल्य प्रमेह पुष्ट ये 3-4 व्याधि ऐसे हैं जिसके लिए उन्होंने कुलज संप्राप्ति भी बताई है। तो एक यही बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले, क्योंकि जब हम कारण की बात कर रहे थे तो सुश्रुत संहिता ने जो सूत्र स्थान के व्याधि समुद्देशी अध्याय में प्रारंभ में आदि बल प्रवृत्त व्याधियों का जो ग्रुप बताया है वो भी कारण है कि आपके पूर्वज आपके व्याधि के कारण हो सकते हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो वो रूल आउट करिए, उसके बाद जो है उसकी ओबेसिटी जो है वो किस प्रकार से, मतलब शिथिल मांस वाली जो अपने यहाँ संप्राप्ति है, शिथिल मेद मांस वाली है और किस कारण से, उस कारण को देख करके कुछ अच्छी सी चिकित्सा आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे योग कोई भी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। शास्त्र के जो योग हैं उस योग में मैं मेरी दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति में एकाध दो चीज बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, इस प्रकार से जो है मैं उसमें परिवर्तन करता रहता हूँ। मगर कुछ जो सामान्य बातें किसी भी ओबेसिटी पेशेंट में आप दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि नित्य सेवनीय जो है, उसमें अगर देखें तो सुश्रुत ने यह कहा है कि व्यायाम जैसा कोई स्थौल्य का औषध नहीं है, नहीं व्यायाम समम किंचित स्थौल्य अपहरण, यह सुश्रुत ने कहा है कि, तो पहली बात तो उसके उचित व्यायाम उसको देना है। उचित व्यायाम में शब्द देता हूं कि हर एक को एक समान, मतलब सबको हम ये कह देते हैं कि चलो इतना सारा चलने लगो तो ऐसा भी नहीं करना है, या हम सबको ये कह दें कि योगा करने लगो ऐसा भी नहीं। व्यक्ति क्या है, उसकी शक्ति क्या है, ये देख करके उचित व्यायाम उसको देना। उद्वर्तन मेरी व्यायाम की चिकित्सा में हमेशा से रहता है क्योंकि उद्वर्तन के लिए जो उन्होंने लिखा है कि वो मेदसापहाम ये करके लिखा है उन्होंने, तो त्रिफला कुलत्थ यव
इत्यादि का पिंड बना करके हर रोज उद्वर्तन करवाना ये बिल्कुल आवश्यक होता है। हम लोग दो जो मेरे अनुभव में एक दो गलतियां जो हम करते हैं स्थौल्य के पेशेंट में, उसको बचना चाहिए। जैसे कि हम जो है उनको आहार बहुत कम करवा देते हैं या कहते हैं कि आपको भूख भी हो तो मत खाओ, जबकि आयुर्वेद चरक संहिता की स्थौल्य की संप्राप्ति में लिखा है कि उसका कोष जो मेधावृत होने से उसको बहुत भूख लगती है, तो बहुत भूख लगती है और अगर उसमें आप मना करते हो तो ये गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं करना चाहिए, ये पहली बात है। उसमें ध्यान में रखना है हमें कि उसका आहार में परिवर्तन करना है, उसको बंद करवाने की बात नहीं है। कुछ चीजें जरूर बंद करवानी चाहिए जो कि प्योरली संतर्पण जन्य, जो संतर्पण करने वाली चीजें हैं उसको बिल्कुल हम बंद करवा सकते हैं, बाकी उसके आहार में परिवर्तन करो, आहार का एक उसको शेड्यूल दे करके दो, तो अपने आप उसमें वो ठीक हो सकता है। तो मैं सामान्य रूप से जो है अगर बहुत ज्यादा रुक्षता वगैरह नहीं है पेशेंट के, उसमें बहुत ज्यादा शिथिल मांस मेद वगैरह है, माने द्रवता अगर ज्यादा है, तो मैं उसमें जो है ये कहता हूँ कि भाई आप अपनी रोटी के आटे में 50% गेहूं का आटा मिला दो, उसके साथ मिला करके खाओ, और दूध जो है वो बिल्कुल बंद करवा देता हूँ, एक्सरसाइज उचित व्यायाम उसको सुबह शाम करवा देता हूँ, और बाकी जैसा पेशेंट उस प्रकार के कुछ योग जो है वो, बट उद्वर्तन, व्यायाम और आहार परिवर्तन, ये तीन मूल चीजें। थैंक यू सो मच सर। एक प्रिया जी पूछ रहे हैं कि सर आद्यमान में वात के अति संचरण से क्या समझ सकते हैं? वात आद्यमान में जो है वायो हो अतिव संचय है, पाठांतर में संचरण है, बाकी संचय है जो है आटोप में जो है उसमें जहां पे गुड़गुड़ाहट होती है वहां अंतर में वात के संचरण की बात आती है। अब त्रिदोष सिद्धांत या उसके विषय में जो है वो हमें बहुत गहराई से बात करनी पड़ेगी, तभी ये संचरण या एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली बातों को समझना ये उसके लिए है। बट अभी ये हम ये समझ सकते हैं कि अंत में, अंतर में जब पाचन की अंतिम अवस्था में, जिसे हम मॉडर्न की दृष्टि से अगर देखें तो बैक्टीरियल डाइजेशन जो कहते हैं कि जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की ट्रांसवर्स कॉलम में और तो है, वहां पे मीथेन पैदा होती है और वो अगर अवरुद्ध होकर के इधर उधर पड़ती है तो ये वात का संचरण माना जा सकता है। थैंक यू सर। एक शिव कुमार जी, डॉक्टर शिव कुमार जी पूछ रहे हैं कि इफ यू डोंट गेट एनी हेतु आफ्टर रिपीटेड हिस्ट्री टेकिंग देन व्हाट टू डू? सामान्य रूप से नहीं हो सकता ऐसा, कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है। अगर मौका मिला कभी और अगर आप लोग मौका देंगे तो हेतु कैसे निकालने हैं उसके ऊपर भी हम कभी बात करेंगे कि हेतु कैसे निकालने हैं, तो इतनी छोटी छोटी बातें पूछनी पड़ती है कि हेतु निकल ही आते हैं। मान लीजिए कि नहीं ही निकला है तो वो कर्मच व्यर्थ, वो बहुत ही कम, मैंने मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी पेशेंट देखे हैं, मेरी करीब करीब ये समझ लीजिए 26-27 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, 20 साल इंस्टीट्यूशनल और उससे पहले 5-6 साल मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस की, तो उसमें जितने भी पेशेंट देखे हैं उसमें ये मान लीजिए कि मैक्सिमम 1-2% ऐसे थे जिनको मैं कर्मज व्याधि में डालता हूँ जिसमें मुझे हेतु नहीं मिले हैं या मैं हेतु नहीं निकाल पाया। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि शायद मैं नहीं निकाल पाया, हेतु होते ही कार्य कारण सिद्धांत है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति कभी संभव है नहीं, अगर आपको कार्य दिखता है तो कारण होना ही है, वो कारण इस जन्म का भी हो सकता है, पूर्व जन्म का भी हो सकता है, कर्मज भी हो सकता है, तो उसको भी आपको निकालना है और उसकी चिकित्सा भिन्न प्रकार से प्रायः। थैंक यू सर। शायद इसी चीज को फॉलो करते हुए हेतल मैम हमें ओपीडी में बिल्कुल कॉपी पेन देके बैठती थी कि पेशेंट की पूरी दिनचर्या पूछो, उठा, उठने के बाद क्या किया, एग्जैक्टली बिल्कुल एक एक स्टेप हम जब उस पेशेंट का निकालते थे पीजी में, इनिशियली हमको थोड़ा बोरिंग फील होता था लेकिन बाद में जब उसमें से हमें निदान मिलने लग गए तो हमें समझ में आया कि ये हम क्यों करते हैं। दैट इज जामनगर स्कूल ऑफ थॉट।
बिल्कुल बिल्कुल सर, एंड ऑब्वियसली एटल मैम पायनियर है वहाँ की, और वो ही उन्होंने हमें थोड़ा बहुत पास ऑन हमने मिला है उनसे. थैंक यू सो मच सर. एक शिव कुमार जी और क्वेश्चन कर रहे हैं कि इफ निदान एंड लक्षण आर नॉट मैचिंग देन हाउ टू ट्रीट, बाय सीइंग हेतु और बाय सीइंग द रोग. वो परतंत्र संप्राप्ति होती है, वो दोषों का परतंत्र प्रकोप होता है कि जहां आपको निदान कुछ अलग मिलते हैं, लक्षण कुछ अलग मिलते हैं. तो स्वतंत्र परतंत्र प्रकोप की बात भी शास्त्रकारों ने कही है. तो वहां पे जो है वो आपको आवरण की जो बात कही है शास्त्र ने वात के संदर्भ में, या आशयापकर्ष की बात कही है शास्त्रकारों ने दूसरे दोषों के संदर्भ में, वहां पे आपको निदान कुछ और मिलते हैं, लक्षण कुछ और मिलते हैं. तो वो परतंत्र संप्राप्ति होती है और उसको समझना पड़ता है. वो थोड़ा सा मतलब शास्त्राध्ययन और अनुभव दोनों ही मिक्स होते हैं, तो आप परतंत्र संप्राप्तियों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. बट मुश्किल नहीं, मैं ये भी बता दूं कि मुश्किल बिल्कुल नहीं है. परतंत्र संप्राप्तियां भी बहुत ही अच्छी तरह से समझी जा सकती है. थैंक यू सो मच सर, बहुत ही एक इलेबोरेट सेशन के लिए क्लियर कट हर क्वेरी को आपने आंसर किया, और उस हर एक आंसर में भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिला हमें. थैंक यू सो मच सर उसके लिए. अब मैं आशीर्वचन के लिए बलदेव सर को इनवाइट करती हूँ. अरे बलदेव जी हैं, क्या बात है. हाँ जी सर, नमस्ते. हाँ नमस्कार, मैं वैसे थोड़ा लेट आया था, लेकिन बता दूं सर ने जो सिद्धांत के साथ साथ क्लिनिकल केस के साथ जो सामंजस्य के साथ सिद्धांत को समझाया, एक जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टूडेंट हैं उनके लिए एक प्रेरणादायक है कि हम रोग लक्षण के साथ साथ उनके निदान को भी देखें, कारणों को भी देखें, तभी हम उसके सम्यक स्वरूप में चिकित्सा कर सकते हैं. और सर एक सैद्धांतिक व्यक्ति है, मतलब पूरे सिद्धांत को पालन करते हुए चिकित्सा करते हैं. हमें भी कभी दिक्कत होती है तो हम सर के पास ही समझने के लिए जाते हैं. सर इस तरह से पूरी जो सिद्धांत का जो पालन करते हैं चिकित्सा में, तो हमको निदान जानना आवश्यक है. तो सर ने एक बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे कि आपने कहा कि निदान जानना एक आवश्यक है, तो कार्यकारण सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है, सर्वतंत्र सिद्धांत है, तो इसको एक बहुत ही सरल ढंग से उदाहरण के माध्यम से आपने हमारे विद्यार्थियों और जितने भी प्रैक्टिशनर लाभार्थी हैं आपका जो लेक्चर है पूरा पूरा लाभ लिए होंगे. तो बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल स्वरूप है. तो मैं एक अच्छे लेक्चर सीरीज के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. मैं प्रोफेसर बलदेव सर को आशीर्वचन के लिए इनवाइट करती हूँ. नहीं, पहले तो मैं डॉक्टर दीक्षा जी को करेक्ट कर दूं कि आशीर्वचन के लिए नहीं है, डॉक्टर हितेश जी जो हैं वो मेरे भी सीनियर हैं और हम सबको आशीर्वचन का मिला ही है. सिद्धांत का उन्होंने जिस तरह चिकित्सा के साथ उसको जोड़ा है, और प्रोफेसर हितेश जी हमारे जामनगर में एक वर्ष सीनियर थे, तो आप सब जान ही सकते हैं कि जस्ट सीनियर के साथ कितनी अटैचमेंट होती है और उनसे सीखने को जितना मिलता है. तो ज्यादा एसोसिएशन हमारी डॉक्टर हितेश जी से रही थी उस समय. डॉक्टर अर्जुन जी मेरे क्लासमेट हैं, तो हम सब इन अपने जस्ट सीनियर से बहुत कुछ सीखने को हमें वहां पे मिला, और वही सब प्रसाद रूप में आप सबको भी आज प्राप्त हुआ है डॉक्टर हितेश जी के माध्यम से. और ये जो अपना मौलिक सिद्धांत है इसकी ओपीडी जामनगर में बहुत अच्छी शुरू से ही चलती रही और वहां पे बहुत अच्छे विद्वान बेसिक प्रिंसिपल के रहे, इसलिए उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज डॉक्टर हितेश जी ने जो मौलिक सिद्धांतों को चिकित्सा के साथ जोड़ के विषय का प्रवर्तन आप सबके सामने किया, तो उसके लिए प्रोफेसर हितेश जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस जो हमारी लेक्चर सीरीज की ज्ञान गंगा है उसमें अपनी आहूति, अपनी ज्ञान आहूति उन्होंने इसमें दी और हम सबका मार्गदर्शन किया. तो बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी,
ऐसे ही डॉक्टर अर्जुन जी हर बार हमसे जुड़ते हैं तो उनका भी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर गीता जी जुड़ी रही हैं, ऐसे सब मनीषियों का बहुत बहुत आभार, साधुवाद कि आप लोग इस सीरीज से जुड़े और आगे भी आपका ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। डॉक्टर हितेश जी को मैं एक बार फिर अपने सीनियर को, अपने बड़े भाई को, अपने गुरु को प्रणाम करते अपनी बात पूरी करता हूँ। दीक्षा जी सर, हमारे लिए तो डेफिनेटली इतने सारे प्रबुद्ध जन एक मंच पे मिल रहे हैं तो आशीर्वचन की बरसात सी है बिल्कुल। थैंक यू सो मच बलदेव सर। अब मैं समअप करने के लिए हेतल मैम को इनवाइट करती हूँ। हेतल। हाँ जी, डॉक्टर हितेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर इतना अच्छा लग रहा था ना कि जामनगर से जब रवि जी ने जब लिया लेक्चर तो ऐसे पता है वहां की शाम की ठंडी हवा, वहां का लाइब्रेरी का माहौल, वहां के टीचर्स के साथ ओपीडी, सब कुछ ऐसे तरोताजा हो जाता है। और मुझे आपकी आवाज से एक और चीज समझ में आई है कि एक बार किसी भी टीचर का, चाहे प्राइवेट कॉलेज क्या है चाहे सरकारी कॉलेज में, सिलेक्शन होने के बाद हमें आवाज की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। सर मुझे ऐसे लगा आपकी आवाज सुन के कि बहुत स्पष्ट रूप से पूरा सेंटेंस बोलना, मिस मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे टीचर्स की अच्छी आवाज है ना, कोई यूं बुरा ना माने, मगर मुझे ऐसे लगा कि हम जब ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारी भाषा, बहुत सारे देश, बहुत सारे खान पान, बहुत सारी वेशभूषा है ना, तो यहाँ एज अ टीचर मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें सरकार को एक बार एक निवेदन देना चाहिए कि सभी टीचर्स की किस तरीके से शब्दों को कहाँ रुक कर बोलना, और ये सारी चीज एक बार हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है उससे क्या है पता है, एज अ टीचर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हम बड़ा इजिएस्ट वे में कर पाएंगे। क्योंकि मैं बहुत विद्वान हूं मगर मैं किसी को उपयोगी नहीं हूं, तो मेरी उपादेयता जीरो है, कुछ भी नहीं है। जब मेरे स्टूडेंट ये कहे कि नहीं नहीं विद्वान तो बहुत है मगर मैं सिखा नहीं पाई कुछ, तो मुझे लगता है कि वो तो जीवन निरर्थक है। तो इसलिए मुझे लगा सर कि आपकी आवाज के बाद के भी बहुत ही बढ़िया सर, और हम टीचर्स के लिए भी ऐसी एक आवाज की पूरी है ना, किस तरीके से बोलना चाहिए है ना, क्योंकि विद्वता ट्रांसफर करनी भी एक आर्ट है ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा भी कुछ प्रयत्न होना चाहिए। जी बलदेव सर कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी सर, जी भैया, जी अर्जुन जी बताइए। सर एक सांस्कृतिक मंच के कलाकार भी हैं, टीवी आर्टिस्ट भी हैं। जी जी जी, सर्विस में आने के पहले टीवी में जी जी से सदैव जुड़े रहते हैं, तो इसलिए सर को जो भाषा शब्दों का जो चयन करना है वो बहुत ही अच्छा तरीके से आता है। हाँ जी हाँ जी, बता। थैंक यू जी। तो इसलिए मुझे थोड़ी वहां पे ट्रेनिंग हुई। हाँ जी, मंच पे एक ऊपर काम करते वक्त ट्रेनिंग हो जाती है या आपको हाँ जी, हाँ जी। का लेवल कैसे रखना है, पोज कहाँ रखना है, मगर आपने जो कहा वो बात बिल्कुल ही मैं उसका अनुमोदन करूंगा कि टीचर्स ट्रेनिंग में ये जो है आर्ट ऑफ लेक्चरिंग जी, आपको कैसे पढ़ाना है, मतलब बोलना कैसे है, विषय हाँ जी प्रेजेंट कैसे करना है। जी जी, विषय तो आप जाते हैं, विषय के तो आप जाता है ही है। हाँ जी हाँ जी, को ट्रांसमिट कैसे करना है, कैसे प्रभावक शैली से उसको बोलना है, वो भी सिखाना बहुत ही जरूरी होता है। वो हमारे रिओरिएंटेशन प्रोग्राम का एक आवश्यक अंग होना चाहिए, जो ROTP हमारे होते हैं, TOT होते हैं, उसका एक आवश्यक अंग ये टीचिंग मेथोडोलॉजी और लेक्चरिंग होना चाहिए कैसे पढ़ाया जाए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर बिल्कुल। मिस मुझे लगता है कि हमने जितनी मेहनत से कई बार हमने लेक्चर तैयार किया ना, उतनी इंटेंसिटी से और उतने बल्क में वो स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पाता। नहीं पाता है। हाँ जी हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि, जी सर, तो ये अच्छा रहेगा कि हम ऐसे भी कुछ प्रयत्न करें और हमारी भावी पीढ़ी से पीढ़ी को जैसे कह सकते कि तैयार हलवा अच्छी तरह से परोस पाए, क्योंकि वो हलवा है ना अच्छी तरह परोसा जाएगा तो वो बड़े चाव से खाएंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और सभी महानुभाव डॉक्टर दीक्षा और खुशवंत का मैं बहुत बार नाम नहीं लेती हूँ मगर वो ऐसे मैं अपनी साइड में दोनों को खड़ा कर लेती हूँ, तो मगर आज मैं नाम भी लेना चाहती हूँ कि डॉक्टर कुशवंत, डॉक्टर दीक्षा और
स्पेशली डॉक्टर हितेश सर और गीता मैडम, अर्जुन जी, डॉक्टर ममता, डियर मोनालिसा जी, डॉक्टर भरत जी, एक हितेश सर के कोई और स्टूडेंट भी रहेंगे भरत भाई, उन्होंने बहुत अच्छा चैट बॉक्स में कमेंट भी डाला है कि सर आपके साथ मैंने 5 साल तक जो हिस्ट्री टेकिंग सीखी है ना, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायी है। और सर बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स है, सभी ने आपके दूसरे तीसरे लेक्चर्स की भी मांग की है कि नहीं सर के रहने चाहिए। तो सर एक निवेदन ये भी था कि कभी इमरजेंसी होती है तो हम आपको लेक्चर के लिए पूछ सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, तो हमारे जी के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। जी 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 जी, आत्यिक चिकित्सा में भी आपका यूनिट में आपका नाम लिख देती हूँ कि कभी ऐसा रहा तो सर हम इमरजेंसी में भी आपका कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के इस ज्ञान के लिए हम आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आगे भी हम आपसे ज्ञान से लाभान्वित होती रहेंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। अभी हम सभी एक साथ में शांति मंत्र बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी सर, इसको एक साथ में ना बोल के बाकी सबके माइक ऑफ करवा के ना वो वैसे ही बोल रहे हैं और एक जना बोल रहे इसको, नहीं तो वो बोलते हैं साथ साथ तो इसमें आवाज ठीक से नहीं आती फिर। जी सर ठीक है सर, आप ही बोलिए। हाँ जी, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः, सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।